नमस्कार दोस्तों, तुर्की में इस समय जो है काफ़ी तबाही भरा भूकंप आ चुका है। और जब से भूकंप आया है तब से तुर्की में अब तक 1,200 की लाशें बिछ चुकी हैं। वहीं पर साथ ही साथ में इसराइल और सीरिया में भी इसका जो है असर दिखा जा रहा है। इसराइल और सीरिया में ही नहीं बल्कि तुर्की से सटे लगभग सभी देशों में इसका असर जो है देखा जा रहा है। वहीं पर तुर्की के एक जगह है नोदगी से पूर्व जो है 23 किलोमीटर पूर्व जो है इसका केंद्र मापा गया है, जहां पर 7.8 तीव्रता का भूकंप जो है रिएक्टर स्केल पर जो है इसको नापा गया है। वहीं पर सीरिया में लगभग 800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और तुर्की में लगभग 1200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी तरह से लोग तबाह हैं और बर्बाद हैं, अपने घरों को उजड़ते देख रहे हैं सभी लोग, और साथ साथ ही कई लोग उस मलबे में दबे हुए अपनी अंतरात्मा को याद कर रहे हैं। जैसे इसकी खबर मिलती है हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने तत्कालिक जो है एक बैठक बुलाई, जिसमें उनके साउथ कैंट में जो है बैठक बुलाई है, वहां पर से 100 NDRF के 2 दस्ते भेजे जाएंगे। और साथ ही साथ जो है डॉक्टर की टीम और स्क्वाड को भी भेजा जाएगा जो पूरी तरह से प्रशिक्षित होंगे। साथ ही साथ मेडिकल और भोजन सामग्री जो चीज़ें हैं वो सब सारी चीज़ें भेजी जाएंगी। और तुर्की और सीरिया और इस्तांबुल के दूतावास पर इन चीज़ों को भेजा जाएगा, जहाँ से उन तमाम लोगों को इनकी मदद मिल सकती है। भारत का यह पहल कदम जो है काफ़ी सराहनीय रहा है तुर्की में आए इस भूकंप के दिन में। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप ने लोगों से आह्वान किया है कि उनकी मदद करें, और वह जो है अपनी टीम के साथ जो है अपने लोगों की संरक्षण में जुटे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने लोगों की आत्माओं को शांति मिले इसके लिए उन्होंने प्रभु से दुआएं की हैं। और तुर्की में इस तरह से जो प्राकृतिक आपदा है उस पर उन्होंने दुख जताया है और तमाम देशवासियों से आग्रह किया है कि उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि जो भी लोग इस दुख के घड़ी में हैं वो लोग जो है सही और सुरक्षित रहें। वहीं जो है उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप एर्दोगो को यह संदेश दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, और इसमें जो भी लोग जख्मी हैं उनको जल्द से हम अपनी तरफ से इलाज और NDRF टीम और चिकित्सक रेस्क्यूअर तमाम प्रकार के लोगों को जो है आपके यहाँ भेजने का आश्वासन जो है उन्होंने दिया है। हमारी और सबकी दुआएं उन तुर्की के लोगों के साथ रहेगी जो लोग इस दुख के घड़ी में और इस भूकंप के चपेट में हैं। प्रभु उन सभी लोगों को सही और सुरक्षित, और जो लोग चलेंगे इस दुनिया से उनकी आत्मा को शांति दे। इसी तरह से और खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।